तो आज हम आरिटार पे आए हुए हैं। आरिटार जो कि एक ईस्ट सिक्किम का एक ऑफबीट जगह है। तो यहाँ से कंचनजंगा व्यू पॉइंट दिखाई देता है, मंकी व्यू पॉइंट बोल के जगह का नाम है। चलिए कितना दिखाई दे रहा है कंचनजंगा आप लोगों को, ये थोड़ा सीढ़ी चढ़ के जा मतलब चढ़ना पड़ता है 30-40 सीढ़ी ऊपर चढ़ के फिर कंचनजंगा व्यू दिखाई देता है। देखते कितना क्या दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी हम मंकी व्यू पॉइंट में फिर से स्वागत है एन एस सिक्किम ब्लॉग में। तो अभी जा रहे ऊपर, कितना क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप मेरा पीछे थोड़ा थोड़ा कंचनजंगा दिखाई दे रहा होगा, वेदर थोड़ा ख़राब होने के कारण अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तब भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं नीचे ये आरिटार लेक है, यहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे। इधर से कंचनजंगा दिखाई देता था, आज थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। इधर इस पार्ट में देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, बादल में छुप गया। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कल मैं दादा लोगों को एनजीपी से पिकअप करके लेके आया। तो आज अभी हम आरिटार लेक मंकी व्यू पॉइंट पे है। तो दादा थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कैसा ये व्यू? बहुत अच्छा। अभी तो हम जस्ट शुरुआत किए हम लोग टूर का, अभी तो हमें लेक जाना है, मोनेस्ट्री जाना है, फिर क्यू फॉल ऑफ वाटरफॉल्स भी देखना है। पूरा आप लोगों दोस्तों आप लोगों को पूरा जुलू का अपडेट दूंगा, सिर्फ रूट का। दादा लोगों के साथ बने रहिए, 3-4 दिन हम लोग है। चलो दोस्तों अभी हम आए हैं आरिटार लेक। अब देख सकते हैं बहुत सुंदर आरिटार लेक और काफ़ी सारे मछली भी है लेक में। बताओ देखिए मछली एकदम बड़े बड़े मछली है। तो ये लेक में एक बात और भी है कि यहाँ पर बोर्डिंग भी होता है। वो देखिए बोर्डिंग कर रहे मेरा गेस्ट लोग, मैं भी हूँ, मैं अभी बोर्डिंग करने वाला हूँ लेक में हूँ, मैं आरिटार लेक में अभी मैं बोर्डिंग करने वाला हूँ। कैसा मज़ा है क्या है आप लोग थोड़ा दिखाता हूँ, बोर्डिंग करके वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों अभी हम लेक का वो कर रहे हैं, आपका बोर्डिंग कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लेक पे है बोर्डिंग कर रहे हैं। लोग भी ऐसा बोर्डिंग करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। देखिए फुल्ली व्यू, बहुत सुंदर वेदर भी आज, आप लोग ऐसा मज़ा ले सकते हो। देखिए ले रहे लोग मज़ा, मैं भी हूँ बोर्डिंग पे, बोर्ड पे बोर्डिंग कर रहा हूँ। आप लोग भी आइए एक बार घूमने के लिए, ऐसा मज़ा लेने के लिए। दोस्तों ऐसा मज़ा लेना है लेक का तो आ जाइए आरिटार लेक, बोर्डिंग करना है तो आ जाइए आरिटार लेक। इतना सुंदर व्यू आप लोग कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए पूरा लेक का 360 डिग्री, साथ में इधर मैं चला रहा हूँ बोट को, मैं चला रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पदमचैन ब्लू स्काई होमस्टे में आ चुके हैं दादा लोगों को लेकर। पूरा सिल्क रूट का आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ। कल हम लोग आरिटार में थे, आज हम लोग पदमचैन ब्लू स्काई होटल, वो देखिए ब्लू स्काई लिखा है। इधर हम लोग का दादा लोग, दादा लोग हाथ हिलाइए सबाय। चलो वेलकम टू थंबी व्यू पॉइंट दोस्तों। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं जिगजैग सिल्क रूट। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम। अभी हम हैं जिगजैग रोड पर, आज आपको तारीख बता दूं 25 मई 2024। अब पीछे मेरा नीचे देख पा रहे जिगजैग रोड, अभी हम जा रहे बाबा मंदिर छांगुलेक होकर गैंगटॉक। दोस्तों अभी हम जहाँ पर है ना, ये जगह का नाम है नाथांग वैली, वो आप नीचे देख पा रहे होंगे सारे के सारे होम स्टे है। आप लोग भी आकर यहाँ पर वन नाइट स्टे कर सकते हो अगर आप सिल्क रूट का टूर कर रहे हो तो। देखिए खूबसूरत व्यू नाथांग वैली से आप लोगों के लिए, बस आप लोगों के लिए। ये पूरा व्यू नाथांग वैली से आप लोगों के लिए ले रहा हूँ, आप लोग देखिए यहाँ का हाइट तकरीबन 13,000 फीट पे है।
और ये नीचे जो है आप रोडोडेंड्रन फ्लावर से पूरा भरा पड़ा हुआ है, देख पा रहे दोस्तों। अभी हम लोग का दादा लोगों को दीदी लोगों को लेकर हम अभी नतांग वैली पे है। दादा से थोड़ा पूछता हूँ जगह कैसा है। दादा आप लोग कैसा लग रहा है? बांग्ला बोल रहे हो? बांग्ला बोल रहे हो बे, सब बांगाली तो देखे। जय नतांग वैली। এইটা হলো আপনার, এটা হলো আমাদের সিকিমের লাস্ট ভিলেজ, এইদিকে এইদিকে লাস্ট ভিলেজ এই সিকিমে। এই দেখুন সবাই আছে, সবাই হাত হেলো আয়ো করে দেন। তো ইয়ে হে অল বাবা মন্দির জো কি কুপুক মে পড়তা হ্যাঁ, আপ দেখ সকতে হ্যায়। ইয়ে রিয়েল মন্দির হ্যায়, অরিজিনাল ওয়ালা বাবা মন্দির জো গ্যাংটক সে ছাঙ্গুলেক বাবা মন্দির, নিউ বাবা মন্দির আতা হ্যায়, ও নিউ হ্যায় ইয়ার, ইয়ে ওল্ড হ্যায়। ভিউ দেখিয়ে दोस्तों, ये लेक का नाम है एलिफेंट लेक, कुपुक में पड़ता है ओल्ड सिल्क रूट की तरफ। देख पा रहे बहुत सुंदर व्यू है, साथ में मैं भी हूँ, आप देख पा रहे नीचे मेरा एलिफेंट लेक, तो आप लोग भी आ सकते हैं, बहुत सुंदर व्यू है। आइए एक बार विजिट कीजिए इस सिक्किम सिल्क रूट की ट्रिप। हमारे दादा लोग कुपुक लेक पे, एलिफेंट लेक पे हाय हेलो बोले दो। हेलो दोस्तों, अभी हम छांगू लेक पे, आप देख पा रहे हैं पूरा छांगू लेक का व्यू 360 डिग्री से। बर्फ थोड़ा भी नहीं है छांगू लेक में, पूरा पिघल चुका है। देखिए आप देख पा रहे हैं भाई, भाई असर हाथ हिला दो, ये यक्का सवारी कर रहा है। आप लोग भी ऐसा ही छांगू में आकर यक्का सवारी कर सकते, साथ में दादा भी है, बेटा को करा रहा है लेकिन खुद नहीं कर रहा है। दादा दादा आप नहीं करेंगे यक्का सवारी? अच्छा ये बेटा कर रहा है। चलो 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 भाई, इधर देखो भाई। दादा दोस्तों ये आप देख पा रहे लेक, झंडे के सामने से मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए ये रहा लेक, बहुत सुंदर है छांगू लेक। 25 मई का वीडियो अपडेट दे रहा हूँ आप लोगों को, साथ में मैं भी हूँ। कैसा आप लोगों को ये सिल्क रूट का टूर अगर करना हो तो भी कर सकते हैं आप मेरे साथ, ऑल सिक्किम टूर कराता हूँ। मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे जो बटन दिया है उसको क्लिक करके बजा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब कुछ कर दीजिएगा आप लोग। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कल नॉर्थ सिक्किम जाऊँगा 26 तारीख 27 तारीख आप लोगों को अपडेट देता हूँ। तब तक बने रहिए, देखते रहिए एनएस सिक्किम ब्लॉग को, तब तक ले बाय बाय।